हाई गाइज, इन टूडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.4। देखो एक्सरसाइज 6.4 का जो आपका कंसेप्ट है दैट इज कॉम्बिनेशन। कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज 6.3 में हमने क्या किया था? परम्यूटेशन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। मैंने क्या कहा? परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन। पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो जहां तक परम्यूटेशन की बात है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो देर आर थ्री पर्सन, ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। और यहां पर दो चेयर है, दिस इज द चेयर वन, दिस इज द चेयर टू। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि थ्री पर्सन को टू पोजिशन पर अरेंज करने के कितने वेज है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? आउट ऑफ दिस थ्री पर्सन हाउ देर आर, टेल मी हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज दिस थ्री पर्सन इन टू वेज। यानी कि इन तीन लोगों को हम दो चेयर्स पर कैसे बिठा सकते हैं, इसके पॉसिबल वेज क्या होंगे। तीन पर्सन को इन, ये जो तीन लोग हैं ए बी और सी, ये जो थ्री पर्सन हैं, इनको अगर टू चेयर्स पर बिठाना हो तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज। तो देखो, हो सकता है कि फर्स्ट वे ये हो कि चेयर वन पर मिस्टर ए आ जाए और चेयर टू पर मिस्टर बी आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि चेयर वन पर मिस्टर बी आ जाए और चेयर टू पर मिस्टर ए आ जाए। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर हम मिस्टर बी को बिठा दें और सेकंड चेयर पर मिस्टर सी को बिठा दें। या ये भी हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर मिस्टर सी आ जाए और सेकंड पर मिस्टर बी। और क्या हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पर ए और सेकंड चेयर पर सी, या सी और ए। तो क्या आप इससे एग्री करते हो कि सारे के सारे जो केसेस है डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है भाई। फर्स्ट चेयर पर अगर आप ए को बिठा रहे हो, सेकंड पर बी को बिठा रहे हो, ये डिफरेंट है कि फर्स्ट चेयर पर जो है वो बी बैठेगा और सेकंड चेयर पर मिस्टर ए बैठेंगे। तो टोटल कितने वेज हो गए? टोटल वेज हो गए 6 वेज हो गए। और ये क्या था? अरेंजमेंट। मैंने क्यों कहा ये अरेंजमेंट है? बिकॉज अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि परम्यूटेशन में क्या होता है? ऑर्डर मैटर करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि परम्यूटेशन से ये क्वेश्चन होगा या कॉम्बिनेशन से, तो आप कैसे जज करोगे? जज करने का भाई ये होगा कि क्या जो क्वेश्चन में बात की जा रही है वो अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है। अरेंजमेंट होगा तो ऑर्डर मैटर करेगा, अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो वो सिलेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते थे? थ्री पर्सन, आउट ऑफ दिस थ्री पर्सन टू चेयर पर कैसे हम इनको अरेंज कर सकते, दैट इज 3p2। तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, एनपीआर का फॉर्मूला क्या था? एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, विच इंप्लाइज 3p2 विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6। और आप देख सकते हो यहाँ भी 6 वेज ही आ रहा है। तो ये तो बात हुई अरेंजमेंट। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब अगर मैं इसी केस को कुछ इस तरह से लेता हूँ कि देर आर थ्री पर्सन ए बी सी और आपके पास टू पोस्ट है, पोस्ट वन से आपके आपकी कंपनी में दो पोस्ट खाली है, पोस्ट वन और पोस्ट टू। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट टू पर्सन आउट ऑफ द थ्री पर्सन। आउट ऑफ दिस थ्री पर्सन हम टू पर्सन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप क्या कहोगे कि फर्स्ट पोजिशन पर ये जो दो पोस्ट है, इन दो पोस्ट पर हम ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दो पोस्ट पर हम ए और बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम पोस्ट है, कोई डिफरेंट पोस्ट नहीं है। मतलब दो वैकेंसी खाली हैं, दो वैकेंसी के तीन में से दो ही लोग सिलेक्ट होंगे। हो सकता है वो दो लोग ए बी हो जाए। अब क्या ए बी और बी ए का सिलेक्ट होना डिफरेंट है? नहीं, सेम चीज ही तो है भैया। दो वैकेंसी खाली थी, तीन में से दो पर्सन वो कौन से सिलेक्ट हुआ? आप ए बी का हो या बी ए का हो। या आप ऐसे समझो कि आपके पास थ्री फ्रूट्स है, फ्रूट वन, फ्रूट टू, फ्रूट थ्री। ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। मैंने कहा तीन में से कोई भी दो फ्रूट सेलेक्ट कर लो, तीन में से कोई भी दो फ्रूट सेलेक्ट कर लो। अब बनाना और एप्पल को करो या एप्पल और बनाना को करो, क्या वो डिफरेंट केस है? नहीं। तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एप्पल और ऑरेंज को सेलेक्ट करो या ऑरेंज और एप्पल को सेलेक्ट करो, क्या ये डिफरेंट केस है? नहीं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है?
कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और इसमें क्या होता है ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर हेयर, यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि आप ए बी को सिलेक्ट कर दो या बी ए को करो, बात एक ही है। तो ये दोनों डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस नहीं है, एक ही केस होगा। ऐसे अगर आप बी सी को सिलेक्ट करो या सी सी बी को सिलेक्ट करो, तो ये भी अलग अलग केसेस नहीं है। या आप ए सी को सिलेक्ट करो या सी ए को सिलेक्ट करो, ये भी अलग अलग केसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। भाई दो पोस्ट में सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं ए बी को सिलेक्ट करूँ या बी ए को सिलेक्ट करूँ, डज इट मैटर? नो। दो वैकेंसी है, पोस्ट कह लो या इसको वैकेंसी कह लो, भाई हमारी कंपनी में दो वैकेंसीज हैं, 3% इंटरव्यू के लिए है, दो को सिलेक्ट करना है। मैंने ए बी को सिलेक्ट कर लिया, आपने कहा सर आपने बी ए को सिलेक्ट किया, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ए बी को सिलेक्ट कर लिया, बी ए और ए बी एक ही चीज़ तो है, तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है आपका, फॉर्मूले का सिंबल होता है एनसीआर। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले का सिंबल क्या होता है? एनसीआर, एंड इट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब मैं यहां अगर इसको अप्लाई करके दिखाऊं आपको, तो देखो आप एन यहां पर क्या है, टोटल कितने परसेंट है, दैट इज एन, दैट इज 3। आउट ऑफ द 3% आपको 2 वैकेंसीज पर सिलेक्ट करना है पर्सन को, तो ये हो जाएगा 3C2। क्या हो जाएगा ये आपका 3C2। तो 3C2 फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल n माइनस r दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को आप ले सकते हो 3 × 2 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इंटू में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेज है, 1 2 3। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आपको समझ में आ गई कि परम्यूटेशन अगर ऑर्डर मैटर करता है तो वो परम्यूटेशन है, और परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता तो वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एनसीआर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। अब मैं ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो एनसीआर का मतलब क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और एनसीएन माइनस आर का क्या मतलब होगा, एन फैक्टोरियल, यहां पर r का मतलब है n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर, तो ये हो जाएगा n माइनस एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस r फैक्टोरियल। नाउ इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप यहां देखो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गए, ये क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जिससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो ncr है ये किसके इक्वल होता है, ncn माइनस r के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आने वाली एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज 6.4। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर NC8 आपका NC2 के इक्वल है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो देखो यहां पर दो केसेस बनते हैं, देर आर टू केसेस, इधर NCR इज इक्वल टू NCR, और दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। देखो ये केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज यहां 8 है यहां 2 है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो जो केस पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है, जो केस पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है कि एनसीआर किसके इक्वल है, एनसीआर माइनस आर। इसका मतलब 8 इज इक्वल टू एन माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10। तो फाइनली हमें फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, NC2। तो NC2 क्या होगा, नाउ
एन सी टू विल बी इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो जाएगा टेन सी टू। तो टेन सी टू का मतलब क्या हो गया, टेन सी टू विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस टू फैक्टोरियल। ऐसा आपने क्यों लिखा, बिकॉज एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बात क्लियर होगी ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल, देखो 10, 10 माइनस टू होगा 8, तो इसको आप 8 तक एक्सपेंड कर दो, 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और इनटू में 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, विच इंप्लाइज 10 सी टू इज इक्वल टू, 10 सी टू इज इक्वल टू 9 5 जा 45, इज इट क्लियर ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट पार्ट इज आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, टू एन सी थ्री रेशियो एन सी थ्री किसके इक्वल है 12:1 के इक्वल, इट कैन बी रिटन एज विच इंप्लाइज टू एन सी थ्री रेशियो एन सी थ्री इक्वल टू 12:1 इक्वल टू 12:1 राइट। नाउ एन सी आर हम यूज करेंगे यूजिंग एन सी आर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये बात क्लियर हो गई ठीक है। तो विच इंप्लाइज देखो टू एन सी थ्री क्या हो जाएगा, टू एन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, और एन सी थ्री क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, एंड इट विल बी इक्वल टू 12:1, ये क्लियर हो गया ठीक है। नाउ वाइल सॉल्विंग दिस, देखो ये हो गया आपका 2n, तो अगर मैं 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को आप यहां भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, ये बात समझ में आ रही है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड देन n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा n n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका n-3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू में हो जाएगा 12:1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12:1 ठीक है। अब देखो यहाँ 2n-3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n-3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2n-1, देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n-1 अपॉन में क्या होगा n n-1 और n-2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12:1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12:1 राइट। अब आप देखो n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 से आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर दो, 2 6 या 12 हो जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 विद इन ब्रैकेट 2n-1 इक्वल टू 6 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 into n-2 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4n माइनस में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6n माइनस में क्या हो जाएगा 12, तो 6n-4n हो जाएगा 2n और माइनस 12 अगर यहां शिफ्ट होता तो 12-2 कितना हो जाएगा आपका 10, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट टू, 2n C3 रेशियो एन सी थ्री इज इक्वल टू 11:1, तो इट कैन बी रिटन एज 2n C3 अपॉन एन सी थ्री इक्वल टू 11:1 देन। अब आप ये देखो 2n C3, तो एन सी आर क्या होता है 2n फैक्टोरियल अपॉन आर दैट इज 3 फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या हो जाएगा 11:1। अब अगर मैं इस 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूँ,
अगर मैं इस 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूं तो व्हाट वी विल हैव, इट इंप्लाइज ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अगेन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। देन इस n फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल और अपॉन में क्या हो जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 11/1, होल वैल्यू इज इक्वल टू 11/1। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और यहां भी देखो 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो, 2 कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, n n माइनस 1 और n माइनस 2, n माइनस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 11/1, 11/1। तो अब आप देखो यहां से n से तो आपका n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 इक्वल टू में ये हो जाएगा 11 इंटू में हो जाएगा n माइनस 2, n माइनस 2। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8n माइनस 4, 11 इंटू n क्या हो जाएगा 11n माइनस 22, 11n माइनस 8n ये हो जाएगा 3n और माइनस 22 को यहां शिफ्ट करता 22 माइनस 4, 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18, तो 3n इक्वल टू कितना हो गया 18। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n विल बी इक्वल टू 6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, एक सर्कल में कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स है और आपसे पूछा जा रहा है कि 21 पॉइंट्स का यूज करके हम कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब पहले तो ये देखो कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल से दिस इज अ सर्कल और इस पर मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऐसे इस पर 21 पॉइंट्स है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके कॉर्ड बनेगा, तो मैंने 5 को 2 से ज्वाइन कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 5 को 2 से ज्वाइन कर रहा हूं या 2 को 5 से ज्वाइन कर रहा हूं, क्या ये दो डिफरेंट केसेस हैं? नहीं, 5 को 2 से ज्वाइन करो या 2 को 5 से ज्वाइन करो, ये एक ही केस है। तो यानी कि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो दिस इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका किसका, कॉम्बिनेशन का। अब करना कैसे है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्वल टू 21, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स नीडेड, नंबर ऑफ पॉइंट्स नीडेड टू ड्रॉ कॉर्ड, एक कॉर्ड को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2, कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 21c2 विच विल बी इक्वल टू 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 और ये हो गया इंटू में 19 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 210, यानी कि 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल अगर गिवन हो और एक कोर्स को ज्वाइन, एक कोर्स कितने पॉइंट्स से बनती है, 2, यानी कि 21 पॉइंट्स अगर सर्कल पर गिवन हो तो कितनी कोर्स हम बना सकते हैं, 210 कोर्स कैन बी ड्रॉन, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज, एक टीम है जिसमें कितने बॉयज होने चाहिए, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्टेड, एंड 3 गर्ल्स भी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स,
फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिफोर प्रोसीडिंग विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या सीखना है, वर्किंग विथ एंड और इन क्वेश्चंस, कि एंड और के साथ कैसे काम किया जाता है। देखो, जितने इफ ऑल पॉसिबल केसेस आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, जितने भी केसेस बनते हैं, अगर उन सभी की जरूरत हमें एक साथ होती है, तो इसका मतलब होता है एंड, और एंड का मतलब होता है हम सभी केसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, ये हो गया केस वन। केस टू क्या होता है, इफ ऑल पॉसिबल केसेस आर नॉट रिक्वायर्ड साइमल्टेनियस, सभी केसेस की अगर एक साथ जरूरत नहीं होती है, तो इसका मतलब होता है और उसमें हम फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि सभी केसेस के बीच में क्या लगाए थे, प्लस, यानी कि अगर चॉइस होती है कि ये वाला केस या ये वाला केस। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज ये कितने हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है ये है 4, ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ आप ये देखो, नंबर ऑफ वेज 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, टोटल कितने हैं, 5, तो 5 में से 3 बॉय कैसे सिलेक्ट होंगे, दैट इज 5C3, एंड नंबर ऑफ वेज 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इज इक्वल टू 4, टोटल गर्ल्स कितनी है, 4, तो 4C3। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज। अब यहां पर आपके पास दो केसेस हैं, एक 5C3, एक 4C3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमें दोनों की जरूरत है, एज पर क्वेश्चन हमें दोनों की जरूरत है, एंड 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो हमें ये वाला केस भी चाहिए, ये वाला केस, ऑल केसेस आर रिक्वायर्ड साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली का मतलब इन दोनों केसेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता कि 3 बॉयज और 3 गर्ल्स, यानी कि हमारे पास चॉइस होती सभी केसेस हमें एक साथ नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देते, प्लस लगा देते, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5C3 into 4C3, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो वाइल सॉल्विंग दिस, 5C3 का मतलब हो गया 5 factorial upon 3 factorial, 5 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 factorial, और ये हो जाएगा 4 factorial upon 3 factorial, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 factorial, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 5 4 into 3 factorial, ये हो जाएगा आपका 3 factorial, 2 factorial का मतलब हो गया 2, मल्टीप्लाई 4 इंटू, ये भी हो जाएगा 3 factorial into 3 factorial, 1 factorial का मतलब हो गया 1, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। वाइल सॉल्विंग दिस, 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और 10 4 जा क्या हो जाएगा 40, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि 40 वेज में हम ये इस टीम को हम बना सकते हैं, देयर आर 40 वेज टू सिलेक्ट दिस टीम, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स, टोटल कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल, ओके 5 व्हाइट बॉल, 5 कितनी है, व्हाइट बॉल है, और 5 ब्लू बॉल है, 5 कितनी है ब्लू बॉल है, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी कि हर कलर की 3 बॉल्स ही हैं, हर कलर की कितनी बॉल्स ही हैं, 3, 3 व्हाइट बॉल चाहिए और 3 क्या चाहिए हमें, ब्लू बॉल चाहिए।
और फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, कैन आई से दैट 6। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, कैन आई से दैट 5। और टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, कैन आई से दैट 5। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थ्री रेड बॉल इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 6 है, 6 में से 3 सिलेक्ट करनी है, तो कितना हो जाएगा 6e3, कितना हो जाएगा 6e3। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग थ्री वाइट बॉल्स, तो वाइट बॉल कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5c3, ये कितना हो जाएगा 5c3। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग अगेन थ्री ब्लू बॉल्स, ये कितना हो जाएगा अगेन टोटल 5 है तो 5c3। अब अगेन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमें सभी केसेस की रिक्वायरमेंट है? यस, हमें टोटल 9 बॉल्स चाहिए, 3+3+3 यानी कि सभी की रिक्वायरमेंट है। एंड यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज इट विल बी इक्वल टू 6c3 into 5c3 into 5c3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 factorial upon 3 factorial, 6 minus 3 क्या हो जाएगा 3 factorial, ये क्या हो जाएगा 5 factorial upon 3 factorial, 5 minus 3 क्या हो जाएगा 2 factorial, ये क्या हो जाएगा 5 factorial upon 3 factorial, और 5 minus 3 कितना हो जाएगा 2 factorial। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 6 को एक्सपेंड करो 3 तक, तो क्या हो जाएगा 6 5 4 3 factorial। 3 factorial की वैल्यू क्या होती है 6, ये वाला 3 factorial एज इट इज आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई 5 को एक्सपेंड करो 3 factorial तक, तो क्या हो जाएगा 5 4 3 factorial अपॉन में क्या हो जाएगा 3 factorial, 2 factorial की वैल्यू क्या होगी 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। मल्टीप्लाई 5 को एक्सपेंड करो 3 factorial तक, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 और 3 factorial अपॉन में क्या हो जाएगा 3 factorial, और 2 factorial का मतलब क्या हो गया आपका 2। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, 3 factorial से 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, और 3 factorial से 3 factorial क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2, और 2 से ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 2। ये बात क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 2000, यानी कि 2000 वेज में हम 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, दैट इज टोटल 9 बॉल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स में से हमें 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एसी इन ईच कॉम्बिनेशन। तो देखो 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड चूज करने हैं, और इन 5 कार्ड में से 1 क्या होना चाहिए, एस कार्ड होना चाहिए, और 4 क्या होना चाहिए, 4 आपके नॉन एस कार्ड्स होने चाहिए, 4 क्या होने चाहिए, नॉन एस कार्ड्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल एस कार्ड्स होते हैं 4। टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं 4, राइट। और टोटल अगर 52 में से 4 एस कार्ड है, तो नॉन एस कार्ड कितने होंगे, टोटल नॉन एस कार्ड्स
52 माइनस 4 दैट इज 48. यहां तक बात समझ में आ गई. ये सारा फेयर में ही दिखाना है आपको, ठीक है. नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन एस कार्ड, ऑफ सिलेक्टिंग वन एस कार्ड क्या होगा, चार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, दैट इज 4C1. ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर नॉन एस कार्ड ये कितना हो जाएगा, 48 में से कोई भी फोर सिलेक्ट कर लो, 48 में से कोई भी फोर सिलेक्ट कर लो. अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या हमें दोनों केसेस की रिक्वायरमेंट है? यस, वी नीड बोथ केसेस, क्योंकि टोटल आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए, 4+1 5 दोनों चाहिए, बोथ. तो क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन तो ये क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू 48C4 विच विल बी इक्वल टू, 4C1 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल. 48C4 क्या हो जाएगा, 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, 44 फैक्टोरियल. क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल. और ये हो जाएगा 48 47 46 45 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा, 44 फैक्टोरियल. ये तो आपका, और 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 3 12 12 2 24, तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 24 के टेबल में 48 किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा. 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 4 2 8 × 47 × 46 × 45. आप आंसर यही छोड़ सकते हो, ठीक है. क्या आएगा आपका, 7 7 8 3 2 0, पर आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा 7 7 8 3 2 0, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर. तो देखो टोटल प्लेयर कितने हैं, टोटल प्लेयर है 17 प्लेयर में से आपने टीम सेलेक्ट करनी है 11 प्लेयर्स की, 17 में से हमने 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है. अब कंडीशन क्या है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल. अब ये जो 17 प्लेयर है इसमें से बॉलर कितने हैं, इसमें से बॉलर है 5 बॉलर है इसमें, इस टीम में 17 में से 5 तो बॉलर है हमारे पास, ठीक है. इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, और 5 में से आपको 4 बॉलर इंक्लूड करने हैं, तो 5 में से 4 बॉलर कैसे सिलेक्ट होंगे, 5C4. तो बाकी के जो अदर प्लेयर होंगे, 11 में से 4 बॉलर आपने सेलेक्ट कर लिए, बाकी के अदर प्लेयर कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 7, जिसमें बैट्समैन विकेट कीपर जो भी होंगे. तो देखो 17 में से 5 तो यहां निकल के, अदर प्लेयर कितने रह गए, अदर प्लेयर बचे हैं, बाकी के जो अदर प्लेयर सेलेक्ट करने हैं वो कितने बचे हैं, वो बचे हैं 12. 11 में से 4 सेलेक्ट हो गए, तो 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको, 7. तो 7 प्लेयर कैसे सेलेक्ट करोगे, 12C7 वेज में आपको टोटल 11 प्लेयर चाहिए, 4 और 7, तो इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है. अब आप ये देखो, अब किस तरह से आप एक्सप्लेनेशन करोगे, प्रेजेंटेशन क्या होगी आपकी, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर बॉलर्स क्या होगा, 5C4 वेज. देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सेवन अदर प्लेयर्स वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 12C7. देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 5C4 इंटू 12C7, 5C4 इंटू 12C7. नाउ इट विल बी इक्वल टू, नाउ इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12C7 क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये क्लियर हो गया. 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 12 को 7 तक एक्सपेंड करो, 12 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल, 4 को एक्सपेंड करो क्या होगा 4 3 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, इंटू में क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 3, 2 4 जा 8, 4 से 4 तो ये कितना हो जाएगा 11, 3 जा 33 और 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120, 11 3 जा 33, अब 33 को 12 से करो, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 और 3 कितना होगा 39, तो आंसर कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 और ये हो जाएगा 3960. तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 17 प्लेयर्स एज पर दिस कंडीशन इज 3960 वेज. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बैग कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स. ब्लैक बॉल्स कितनी है 5 और रेड बॉल्स कितनी है 6. रेड बॉल्स कितनी है 6. अब आपको क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, यानी कि 5 ब्लैक बॉल में से आपको 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करनी है एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड, और 6 रेड बॉल में से आपको 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है. ठीक है. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स, इट विल बी इक्वल टू 5 में से 2 सिलेक्ट करनी है तो क्या हो जाएगा 5C2, क्या हो जाएगा 5C2. देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स ये क्या हो जाएगा 6C3, ये क्या हो जाएगा 6C3. इज इट क्लियर? ठीक है. देयरफॉर अब देखो हमें दोनों चाहिए, 2 रेड बॉल चाहिए, 2 ब्लैक बॉल चाहिए और 3 रेड बॉल चाहिए, हमें दोनों केसेस चाहिए साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 5C2 इंटू 6C3, 5C2 इंटू 6C3 विच विल बी इक्वल टू 5C2 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 6C3 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. नाउ 5 को एक्सपेंड करेंगे हम 3 फैक्टोरियल तक, तो ये हो जाएगा 5 4 3, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इनटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 6 को भी हम एक्सपेंड करेंगे 3 तक, तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 और 3 फैक्टोरियल. नाउ व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 3 एंड 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 200 वेज होंगे. इन 200 वेज एज पर दिस कंडीशन वी कैन सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल. देखो टोटल कोर्सेज 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ठीक है. अब आपको कहा जा रहा है टोटल आपको कोर्स चूज करना है 5 एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट. 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी. अब मान लेते हैं
दो कोर्सेज जो कंपलसरी है मान लेते हैं वो एक 3 है और एक 6 है, ये दो कोर्सेज कंपलसरी है। तो अब जो सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सिलेक्शन कहां है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो रिमेनिंग 7 कोर्स है इसमें से मुझे कोई 3 सेलेक्ट करना है, यही तो सिलेक्शन है भाई, ये तो कंपलसरी था। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन तो सिर्फ 7 बचे हुए 7 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज को जो हम सिलेक्ट करेंगे वही तो सिलेक्शन है। तो आपका जो आंसर होगा वो कैसे आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज वो कितना है, वो है 9। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, 9, ठीक है। नंबर ऑफ कंपलसरी कोर्स वो कितने हैं, 2। दो कोर्स कोई भी इसमें से, आउट ऑफ दिस 9 कोर्सेज 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, इसका मतलब देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करता हूं तो सिलेक्शन क्या है, 7C3 भाई, बचे हुए 7 कोर्स में से बाकी के जो बचे हुए 3 कोर्स है, टोटल तो 5 है ना, 2 कंपलसरी है तो 3 ही तो सिलेक्ट करोगे, तो इक्वल टू 7C3, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, 4। तो 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 × 2, और इंटू में क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 35, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।